नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एडवोकेट स्वीकार और आज की ये वीडियो फेक न्यूज़ के बारे में कि फेक न्यूज़ किस तरीके से दिखाई जा रही है। तो आप लोगों ने कोबरा पोस्ट के बारे में शायद सुना हो। कोबरा पोस्ट एक न्यूज़ एजेंसी है, बड़ी ट्रस्टवर्दी न्यूज़ एजेंसी है जो काफ़ी सारे अवार्ड्स जीत चुकी है। कोबरा पोस्ट जो है वो स्टिंग ऑपरेशन करती ही रहती है किसी न किसी के खिलाफ। तो अभी उन्होंने 100 कुछ हुआ स्टिंग ऑपरेशन किया कुछ ही दिन पहले, और अपने उस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस के पास वो गए, जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, मैं किसी का नाम लेने की कैसे हिम्मत करूं तो नाम, लेकिन जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल आप देखते हो वो सब के पास गए, और इनफैक्ट उनमें से वो एक दो ई कॉमर्स कंपनीज़ के पास भी गए। और वो क्या था, एक स्टिंग ऑपरेशन के अंदर एक इंसान, उसने बोला कि जी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी एक संस्था है श्रीमद् भगवद गीता ट्रस्ट के नाम से, और हम आपके पास आए हैं, और बहुत पैसे वाले बन के गए वो उनके पास अपना भेस बदल के, और उन्होंने जाकर उनको बोला कि किसी को बोला 2 करोड़, जिसकी जितनी कीमत थी, किसी की 2 करोड़, किसी की 5 करोड़ और किसी की 500 करोड़ भी कीमत थी मीडिया हाउसेस की। तो उन्होंने बोला जाकर कोबरा पोस्ट वालों ने स्टिंग ऑपरेशन के अंदर कि हम आपके चैनल के ऊपर अपनी भगवद गीता से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखाएंगे और फिर बाद में उसको कॉम्युनल रंग देंगे, उसको सांप्रदायिक बनाएंगे, एक किसी संप्रदाय के प्रति हम लोग उसको दिखाएंगे, और फिर बाद में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को उसका समर्थन करते हुए दिखाएंगे। तो कोबरा पोस्ट वालों का जो ये स्टिंग ऑपरेशन था उसके अंदर ज़्यादातर मीडिया हाउसेज ने हाँ कर दी, और उन्होंने कहा कि हाँ हम आपके इसके लिए तैयार हैं और ऐसा काम हम पहले भी करते रहे हैं। तो वो स्टिंग ऑपरेशन जैसे ही आया तो जितने भी आप लोगों को तो टीवी पे देखने को मिलता नहीं है सब, क्योंकि टीवी पे तो दिखाएंगे कैसे, उन्हीं के खिलाफ वो अपने खिलाफ बातें कैसे दिखा दें, लेकिन जितने भी मीडिया हाउसेज हैं टोटल के टोटल बिके हुए, सिर्फ और सिर्फ आपके पश्चिम बंगाल से 2 मीडिया हाउसेज ऐसे थे जिन्होंने साफ मना कर दिया, 2 अखबार थे ऐसे जिन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ भी दिखाने वाले नहीं हैं और हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। लेकिन वैसे जितने भी देखा जाए, और सबसे जानने वाली बात क्या है कि पेटीएम कंपनी, जिसे पेटीएम ऐप को आजकल हर कोई इंसान यूज़ कर रहा है पैसे इधर से उधर भेजने के लिए, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, शॉपिंग के लिए, जब पेटीएम वालों के पास ये कोबरा पोस्ट वाले पहुँचे तो पेटीएम वाले क्या बोलते हैं, पेटीएम के जो मालिक हैं उनके छोटे भाई, वो भी कुछ किसी पोजीशन में है उस कंपनी में, मुझे पूरे डिटेल इतनी अभी मेरे पास, मैं वो लूँगा ना तो कॉपीराइट आ जाते हैं, किसी दूसरे चैनल से लूँगा तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैं वो नहीं लूँगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हम तो RSS के लिए काम करते आए हैं बहुत टाइम से, मोहन भागवत जी के लिए हम तो बहुत बार काम करते आए हैं, और इनफैक्ट जब कश्मीर के अंदर ये पत्थरबाजी हो रही थी तो पत्थरबाजी वालों के लिए हमें PMO से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हमें वहाँ के लोगों का डाटा चाहिए, और हमने डाटा दे दिया। तो आप सोच के देखो कि ये जो हमारा डाटा होता है, हमारे देश में तो कोई इतना बड़ा रूल नहीं बना हुआ, लेकिन डाटा प्राइवेसी जो है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आपका पर्सनल डाटा है कि आपने क्या ख़रीदा, कब ख़रीदा, कैसे ख़रीदा, किससे ख़रीदा, तो आज उन लोगों का डाटा शेयर किया है, कल को हो सकता है आपका डाटा भी शेयर कर दिया जाए। मुझे नहीं पता उन लोगों ने ठीक तरीके के लिए वो डाटा शेयर किया या नहीं किया, लेकिन ये जो कुछ भी किया, तो वो कह रहे हैं कि हम ऐसा काम करते आए हैं, आप हमें अपना काम दो। हमने तो अभी नरेंद्र मोदी की बुक भी देखो अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे प्रमोट की थी, नरेंद्र मोदी की बुक हमने खूब प्रमोट की थी। तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ना, मैं ये कह रहा कि मोदी गलत है, ना मैं ये कह रहा कि कांग्रेस अच्छी है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं तो सिर्फ इस वीडियो के ज़रिए इतनी सी बात बोल रहा हूँ कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ इससे पता क्या चलता है कि जितने भी टोटल के टोटल न्यूज़ चैनल आप लोग देख रहे हो ज़्यादातर वो बिके हुए हैं, वो किसी ना किसी ने खरीद रखे हैं, जो लोग उसके ऊपर एडवर्टीज़मेंट दिखाते हैं, जिन्होंने एडवर्टीज़मेंट के स्लॉट लिए हुए हैं, वो तो सिर्फ उन्हीं की जी हजूरी करेंगे, उनके खिलाफ तो बोल ही नहीं सकते। जो उनके खिलाफ बोलेगा तो वो उसको एडवर्टीज़मेंट मिलनी बंद हो जाएगी, और उनको भी तो अंततः अपनी रोज़ी रोटी प्यारी है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इंटरनेट के ऊपर अब बहुत सारे चैनल खुलते जा रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल ऐसे खुलते जा रहे हैं जो आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे चैनल्स आप ज़रूर देखिएगा, और नीचे उन चैनल के नीचे ना एक बहुत बड़ी फौज है इंटरनेट के ऊपर, इन पार्टी वालों ने एक बहुत बड़ी फौज छोड़ी हुई है, और वो फौज क्या कहती है
कि आप उनके नीचे जाके माँ और बहन की गालियाँ लिखो, नीचे जाके खूब माँ बहन की गालियाँ लिखो ताकि वो आगे से ऐसी वीडियो बनानी बंद कर दें। लेकिन ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अगर आप लोगों को देश बचाना है, एक जवान नागरिक होने के नाते मेरा फ़र्ज था कि मैं आप लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ। यार टीवी पे बातें बहुत सारी आ रही हैं कि इतना विकास हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वोट भले किसी को मर्जी दे दो, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बात पूछता हूँ कि BSNL जो है इस देश की सबसे बड़ी कंपनी है, BSNL जो जिसके पास प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है और मोबाइल नेटवर्क के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होने के बाद, BSNL के पास अपना खुद का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद BSNL आज भी लॉस में है। लेकिन वहीं जियो जो कल आती है मार्केट के अंदर, जियो एक ही दम आसमान को छूने लग जाती है। ये क्या जादू है, ये कैसे हो रहा है ये जादू? गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने भी हैं, सरकारी अस्पताल जो है, हम कह रहे हैं सरकार बहुत अच्छा काम करे, लेकिन सरकारी अस्पताल आप सोच के तो देखो, आपके शहर में भी हैं सरकारी अस्पताल, जस के तस हैं, वैसे के वैसे हैं। और वही सरकारी अस्पताल जब हम दिल्ली में जाके, मैं कोई अरविंद केजरीवाल की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन सरकारी अस्पताल में मैं दिल्ली में एक दो बार गया, वाकई में कमाल के उन्होंने बना दिए सरकारी अस्पताल। और उसके अलावा सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल की हालत देख लो आप, पूरे इंडिया में कहीं मर्जी चले जाओ। तो सरकार तरक्की कर रही है तो किन पहलुओं पे कर रही है? सिर्फ प्राइवेट कंपनी को देखो, ये कहना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा हो और सरकारी कंपनियों को फ़ायदा ना हो, ये एक बड़ी अजीब सी बात लगती है। तो अगर आप लोगों को ये बात ठीक लगे तो कोबरा पोस्ट की वो स्टिंग ऑपरेशन को ज़रूर देखना, और इन न्यूज़ चैनल पर जो टी वी पर दिखाया जा रहा है ना, ये किसी ना किसी की फेवर में चलेंगे। ये तो साफ लिख देते हैं कि मोदी के पक्ष में और मोदी के खिलाफ में। मैं कोई भड़काऊ भाषण नहीं, कुछ नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ है कि अवेयरनेस आए इस देश के अंदर और सच्चे साफ सुच्चे लोग आगे आएँ और इस देश की तरक्की हो। हमारे देश में जितना पोटेंशियल है वो किसी में नहीं है। हमारा देश बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है अगर ये जातिवाद के अंदर ना बटे, कम्युनलिज्म के अंदर ना बटे, विकास की तरफ हम लोग ध्यान दें। तो मेरी बातें अगर अच्छी लगे तो और लोगों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट ज़रूर करना। और जिन्हों तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और लोगों तक वीडियो को पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।